फ्रेंड्स, मैं विनोद सर, विनोद क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हम एक नया वीडियो लेके आए हैं गणित, जिसमें हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। आइए दोस्तों, जानते हैं कि संख्याएं क्या होती है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। आज नंबर सिस्टम में बात करते हैं हम नंबरों की। सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं के प्रकारों के बारे में। संख्याओं के प्रकार, तो संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं दोस्तों। संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक एक करके सबको पढ़ेंगे और जानेंगे संख्याएं क्या होती है। पहली बात कर ले हम यहाँ पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जो प्रकृति से प्राप्त हुई है। जैसे यहां से बात करें हम, तो ये संख्याएं एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक। एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। एक सबसे छोटा नंबर होता है ये, और सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी होता है। दूसरी संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है, इसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। दोस्तों ये संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये भी बढ़ती बढ़ती अनंत तक जाती है। अंतर इतना ही होता है दोस्तों कि इसमें जीरो भी ऐड होता है। प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होकर अंत तक जाती है। अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि सारी की सारी ये प्राकृत संख्याएं भी इंक्लूड हो रही है, इसमें शामिल हो रही है। तो अगर हम बात करें तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। तीसरी बात करें हम यहाँ पर, तो हमारी सम संख्या होती है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम इवन नंबर बोलते हैं, ये भी प्राकृत संख्या का एक रूप है दोस्तों। ये संख्या जैसे दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, आगे ऐसी बढ़ती हुई जाती है, ये सम संख्या होती है, ये भी प्राकृत संख्या का ही रूप होती है। अगली देखते हैं हम, अगली होती है हमारी विषम संख्या, चौथी। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो ऑड नंबर्स। विषम संख्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें हम, तो ये संख्या एक से स्टार्ट होगी, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, आगे ऐसी बढ़ती हुई जाएगी, ये भी अनंत तक ऐसी बढ़ती हुई जाएगी। सम संख्या दो, चार, मतलब इसमें छोड़ रहे हैं दोस्तों हम, एक, फिर दो को छोड़ दिया, तीन को लिया, चार को छोड़ दिया, पांच को छोड़ दिया, ऐसी एक एक के डिफरेंस है, अंतर से संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, इसी को हम विषम संख्या कहते हैं। पांच भी हम बात करें दोस्तों पूर्णांक संख्या की। इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। दोस्तों इसमें सारी संख्याएं शामिल हो जाती हैं। बात कर लें हम यहां पर कि जीरो से स्टार्ट होगी कोई सी संख्या, इधर सारी की सारी एक, दो, तीन, चार, ऐसी बढ़ती बढ़ती इधर अनंत तक जाएंगी, और इधर ये माइनस में जाएंगी, दो, तीन, चार, माइनस पाँच, ऐसी बढ़ती बढ़ती ये भी माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक इधर पूरी धनात्मक पूर्णांक होता है,
इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इधर वाला होता है ये इधर बढ़ती जाएगी, और इधर वाला जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इधर ये बढ़ती जाएगी, यानी कहते हैं हम कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस के इन्फिनिटिव टोटल नंबर सारे के सारे इसमें आ जाएंगे दोस्तों। छठवीं हमारी होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या, यानी वह संख्या है जो दो के अलावा अन्य किसी नंबर से भी विभाजित हो जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या की बात कर लें हम, तो कोई सा नंबर हो सकता है, यहाँ से चार हो गया, नौ हो गया, पंद्रह हो गया, इक्कीस हो गया, वो भी संख्याएं आगे जो कि स्वयं इन्हें स्वयं चार, तो चार तो चार से जाएगा ही, इसके बाद दो से भी चला जाएगा, तो वो संख्या जैसे फॉर एग्जांपल देखें दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से 15 लिया तो 15 स्वयं 15 से तो चला जाएगा, इसके बाद अगर हम बात कर लें दोस्तों तो ये तीन से भी चला जाएगा, इसके बाद बात करें तो ये पाँच से चला गया, तो ये अन्य नंबर हुए, इन्हें स्वयं के अलावा अन्य और किसी नंबर से भी अगर कोई सी संख्या डिवाइड हो रही है तो वे भाज्य संख्या होगी। छठवीं के बाद सातवां हमारा होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है हमारी अगली सातवीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें दोस्तों, यहां पर हम ये संख्या दो से स्टार्ट होगी, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस ऐसे आगे आगे बढ़ती जाएगी, ये संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती। अगर बात कर लें हम यहाँ पर कि एक से, यहाँ पर एक से अगर हम संख्याएं लिखें यहाँ पे और आगे की संख्याएं लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखा हमने 19 के बाद यहाँ पे लिख लिया 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 47 ये संख्याएं हैं। अब संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एक कौन सी संख्या, एक संख्या 43 रहेगी दोस्तों, 43 और 47 ये संख्या, मतलब एक से लेकर एक से 50 तक की संख्या ही हमने अभी एक काउंट करी तो कितनी होगी दोस्तों, ये 50, मतलब ये 50 अभाज्य संख्याएं होंगी इसमें, अभाज्य संख्या होंगी। वैसे अगर मैं बात कर लूं यहां से कि 50 से 100 तो आगे आप जब जाओगे तो ये 10 संख्याएं होंगी, यानी टोटल मिलाकर अगर बात कर लें हम यहाँ से कि 1 से 100 तक टोटल, तो ये टोटल 25 अभाज्य प्राइम नंबर होंगे। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत है कि ये संख्याएं सबसे छोटी की अगर बात करें दोस्तों तो ये सबसे छोटी होती है, ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी, और साथ में ही ये सम भी होगी,
समाभाज्य कहते हैं इसको, समाभाज्य। ये मुख्य बिंदु है दोस्तों, ये दो से स्टार्ट होगी अभाज्य संख्या जो आगे बढ़ती जाएगी, इन्हें स्वयं के अलावा अन्य किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती है, और एक से पचास तक के बीच की हम बात करें तो एक से पचास तक पंद्रह संख्याएं होंगी अभाज्य, और पचास से सौ के बीच में दस होंगी, अरे एक से लेकर सौ तक की बात कर ले तो टोटल पच्चीस अभाज्य संख्याएं होंगी। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या आठवीं, आठवीं हमारी है परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी वह संख्या दोस्तों, वह संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कहा जाए कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परंतु दोस्तों Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होती है कि कोई भी वह संख्या जिसको हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो वह कोई सी भी संख्या, फॉर एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पर, जैसे एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा चार, चार बटे पाँच, और भी आगे की संख्याएं जितनी भी सब होंगी वो सब संख्याएं परिमेय संख्या होगी, यानी जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या सारी की सारी परिमेय संख्या होगी। अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का पूरा अपोजिट है, यानी कि वह संख्या जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे बात कर रहे हैं यहां पर कि जितनी भी परिमेय संख्या उनको निकाल दो तो अपरिमेय बचेगी, यानी जितनी भी कर्ण की संख्या के रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन या फाइव, ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद दस भी आखिरी वाली बची हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। यानी ये वह संख्या होगी वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही इंक्लूड रहेंगी, शामिल रहेंगी। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वह संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या के साथ साथ प्लस अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो जो संख्याएं निकल के आएंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिले जुले रूप को या संयुक्त रूप को या दोनों संख्याओं को मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह वास्तविक संख्या होगी। तो ये इस प्रकार की संख्याएं हैं दोस्तों। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम कि संख्याएं, इनमें कुछ मुख्य बिंदुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम के हिसाब से दोस्तों पूछा जाता है मुख्य बिंदुए हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगी और वो भी सम होगी दोस्तों, ये और बाकी की जितनी भी आती हैं वो पूरी विषम अभाज्य होती हैं। ये एकलौती ऐसी संख्या है कि जो सम भी है और अभाज्य भी है। दूसरी बात कर लें कि सभी
सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तीसरी बात कर लें, सभी सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्या यानी जितनी भी संख्याएं सम विषम भाज्य अभाज्य सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगली बात करें हम कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी जितनी की जितनी सब सारी जितनी प्राकृत संख्याएं होंगी या पूर्ण संख्याएं होंगी वो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करें दोस्तों हम यहां पर कि प्राकृत संख्या पूर्ण या पूर्णांक और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जितनी भी प्राकृत संख्या होगी या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होंगी या पूर्णांक संख्या होगी, सारी की सारी बात कर ले हम तो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। मुख्य बिंदु है दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है कि बताइए आप क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी या नहीं होंगी, सत्य सत्य में पूछा जाता है, तो इसके हिसाब से आप बता सकते हैं दोस्तों। अब यहां बात करें ये कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, यानी कुछ परिमेय संख्याएं और कुछ अपरिमेय संख्याएं आपस में मिलेगी तभी वो वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर कहा जाए आपसे कहा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं, तो आप कहोगे दोस्तों कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही है। तो आप जवाब में दोगे उत्तर आपका आएगा नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमने अभी पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनमें कुछ तो परिमेय संख्याएं होंगी और कुछ अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो सारी की सारी हम बात करें तो सारी की सारी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो तो वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। यानी उसमें कुछ तो परिमेय संख्याएं भी होंगी और कुछ अपरिमेय भी संख्याएं होंगी। इन्हें सब ना तो कोई सी भी अगर बात कहा जाए कि अगर कहा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होंगी तो नहीं होंगी, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होंगी तो नहीं होंगी, उसमें कुछ परिमेय संख्याएं होंगी तो कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। तब जाकर हाँ, अगर कुछ कहे कि क्या कुछ परिमेय संख्याएं वास्तविक हो, हाँ कुछ हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक नहीं हो सकती, सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक नहीं हो सकती। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि कहा जाता है कि कुछ इवन नंबर जो होते हैं, इवन और ऑड, इवन यानी सम और विषम, सम और विषम मिलकर क्या बनता है,
या बात कर लें कि इवन और इवन को जोड़ा जाए तो क्या बनता है, या फिर ओड और ओड को जोड़ा जाए तो क्या बनता है। यानी जब इवन और ओड नंबर को मिलाया जाता है, यानी एक सम संख्या को और एक विषम संख्या को जोड़ा जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, या जो एक सम संख्या दूसरी भी सम संख्या, यानी दोनों सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, या दोनों विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कौन सी प्राप्त होगी। तो यहाँ बात करें, जब एक इवन नंबर हो और एक ओड नंबर हो तो कौन सी प्राप्त होगी। अगर इवन नंबर मान लो आप दोस्तों की दो लिया अपने यहाँ पे और यहाँ पे तीन ले लिया, तो आपको देख रहा होगा कि दो और तीन जोड़ोगे तो पांच प्राप्त होगा। ये तो पांच कौन सा नंबर होगा दोस्तों, तो ये ओड नंबर होगा। यानी जब एक इवन नंबर और एक ओड नंबर को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक विषम संख्या यानी एक ओड नंबर ही प्राप्त होता है। दूसरा, जब एक इवन नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ेंगे दोस्तों तो भी इवन नंबर प्राप्त होगा, एक इवन नंबर प्राप्त होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ पर कि ये इवन नंबर है दो और ये भी इवन नंबर है, अगर दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिक्स आ रहा है। मतलब सिक्स क्या है दोस्तों, इवन नंबर है। यहाँ पे ओड नंबर और ओड नंबर को जोड़ेंगे हम जब ऐड करेंगे तो भी इवन नंबर ही प्राप्त होगा, क्योंकि ओड नंबर आप कोई सा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे थ्री लिया मैंने और यहाँ पर एक सेवन ले लिया, तो थ्री और सेवन दोनों एट ओड नंबर है और दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, टेन आएगा, और जो कि एक इवन नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट